हफ्तावारी कोविड अपडेट दे विच स्वागत है। असी इस वेले बहुत ही ज़्यादा एक क्रिटिकल फेस ते खड़े हाँ। जिला गुरदासपुर दे विच 16 अगस्त नूं इनफेक्शन की पीक सी, जिदे अनुसार 15,000 के आसपास इनफेक्शन की चांसिज है, जे सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स नहीं फॉलो हुए। और जेकर नॉर्म्स फॉलो हो रहे होंगे ने तो बेस्ट केस सिनेरियो 2,000 का है। तो साडा एक टारगेट सीगा कि असी जो IIT चेन्नई वाला सॉफ्टवेयर के अनुसार प्रडिक्शन की गई सी डैथ की तो सीरीयस पेशेंट की, असी घटा सकी है। असी उस काफ़ी कामयाबी हासिल की है, जो पिछले 10 दिन के जिले दी सेहत दी टीमां ने, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन दी टीमां ने, साडे जिहड़े चारे SDM साहिबान ने, सारे SMO साहिबान ने, उन्होंने जो मेहनत की है उहदे अच्छे रिजल्ट मिले ने। अदरवाइज जो इनफेक्शन के हालात सीगे उहदे अनुसार साडियां डेली दे 8 तों 18 मौतां दे बारे अंकड़े आ रहे सीगे। ये ठीक है, जो सानू एकदम टेस्टिंग बधाई तो साढ़े एकदम पॉजिटिव केस बधे, पर वो ज़्यादातर केस एसिम्टोमैटिक सीगे। एसिम्टोमैटिक पॉजिटिव आ गया वो सगो एक अच्छी गल हुंदी है, क्योंकि उन्हों आपनू खुद नहीं पता हुंदा कि मैं पॉजिटिव हाँ, वो कई बार अगे इन्फेक्शन फैला लेंगे। तो असी तकरीबन 300 तो वध केस जिहड़े ने ऐसे डिटेक्ट किए जिहड़े कि शायद पता भी ना लगते, और उन्होंने करके साढ़े 200-300 केस ऐसे भी पता किए जिहड़े कि उन्होंने कॉन्टैक्ट सीगे। सोच के वेखिए जेकर 300 बंदे नूं ना चैक किया जाता तो इन्हां नाल हो सकदा 3,000-4,000 व्यक्ति जिहड़े है वो पॉजिटिव हो जाने सीगे। ये सारी मेहनत का नतीजा ये निकले है कि साडा इस वेले जो गुरदासपुर च कोविड का डेटा है वो काफ़ी हैल्दी है। असी पूरे पंजाब इस वेले सब तो वध सैंपलिंग कर रहे हैं, साडी जो एवरेज है वो तकरीबन 1400-1500 डेली सैंपल आ रही है। आप सोच के वेखिए अप्रैल के शुरू के असी केवल 2-3-5 सैंपल 10 सैंपल रोज़ के करते सीगे, फिर 20-30 सैंपल करन लग गए, 40 सैंपल करन लग गए, इस वेले तकरीबन 1500 के आसपास सैंपल हो रहे हैं। ये सारा आप जी के सहयोग वगैरह संभव नहीं सीगा। और ये एक जी सहूलत सरकार वालों दिती गई कि जेडे कोई एसिम्टोमैटिक पेशेंट ने जेकर पॉजिटिव आ जाते हैं तो उन्होंने हॉस्पिटल जाने की लोड़ नहीं है, वो घर भी रह सकते हैं। असी उन्होंने एक होर भी सहूलत दी है कि वह कोविड के ऑक्सीजन लैवल में मैनेज करना बहुत जरूरी होंगे, वो वास्ते एक 1100-1200 रुपए का ऑक्सीमीटर आता है, वह लेना जरूरी होंगे। कई बार कुछ लोगों की माली हालत इदा की होंगी, उन्होंने अफोर्ड नहीं करते। असी वह भी फैसला किया कि जोड़े लोग अफोर्ड नहीं करते उन्होंने जिला रेड क्रॉस के लोन बेसिस से वो 10 दिन के लिए असं मुहैया कराइए। इको मेरी अपील है कि जोड़े पेशेंट्स कोविड पॉजिटिव ने घर से आइसोलेट किए गए हैं वो कृपा करके अपने घर ही रहो, बाहर ना निकलो, क्योंकि मेन मंतव यही है कि असं उन्होंने कंट्रोल कर सकी। सो इस वे साढ़े 52,483 असं सैंपल लै चुके हैं, जिसे 49,138 लोग जोड़े ने वो नैगेटिव आ चुके हैं। टोटल साढ़े पॉजिटिव 1,040 आए हैं। बहुत माड़ी गल है, दुख वाली गल है कि साड़िया जिहड़ियां मौतां ने वह ये टोटल 31 मौतां च हो चुकी हैं। डैथ 34 हुई, 31 हुई, डैथ 34 डैथ हो चुकी हैं। तो ये नहीं होने चाहीदियां सीगियां, एक एक जान कीमती है। सो ये जिहड़ियां होईयां ने बहुत माड़ी गल है। इन्हें 34 साल विश्लेषण करके वेखिया है कि ये वो लोग ने जिहड़े बहुत ज़्यादा बीमार ने सीगे, कोई होर भयानक बीमारी उन्होंने लगी हुई सी, ते उन्होंने जदों ये कोविड के सिम्टम आए उन्होंने हॉस्पिटल तो जाके मदद लैन की तैयारी कर दी। इसलिए असी स्पैशल मुहिम चला रहे हैं, जिन्हें कैंसर पेशेंट ने, जिन्हें
रीनल पेशेंट ने, किडनी के पेशेंट ने, असं उन्होंने प्रिएम्पटिव सैंपलिंग कर रहे हैं। अज भी असं तकरीबन 62 कैंसर के पेशेंट की टैसटिंग की है ताकि उन्होंने पहले ही बचाया जा सके। अपने जिला गुरदासपुर अज भी जो रिपोर्ट आई है, पहले अपना पॉजिटिविटी रेट जोड़ा है वो बद के 5% हो गया सी। इसका मतलब यह असी 1000 सैंपल लै रहे हैं तो 50 तो लैके 60 केस भी पॉजिटिव आए हैं। एक दिन के ये रेट साढ़ा 9% भी आया कि 1000 पिछे 90 केस पॉजिटिव आए थे, परंतु मुड़ तो जो सा पॉजिटिविटी रेट है ये घट के 3% आ गया। साढ़े डैथ रेट भी जरा घट के 2.7% रह गया। पर आने वाले 15 दिन बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट ने। इन दिन साढ़े गुरदासपुर की पीक आ रही है, असं पीक में हिट कर रहे हैं। इन्फेक्शन तो फैल रही है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग लोग पूरी तरह फॉलो नहीं करते। कई बार मंग की जाती है कि जी लॉकडाउन कर दो। लॉकडाउन करना भी ठीक होंगे पर हूँ सानू बीमारी बारे समझ आ गया है, ये पता लग गया है कि लॉकडाउन कित्या भी अपन मैनेज कर सकते। वह एक ही तरीका है कि 2 गज की दूरी बना के रखिए, मास्क लाइए, खास तो जिन्होंने सिमटम ने वो बिल्कुल मास्क पाए कि जाए। मैं एक उदाहरण दे के दसदा, इतने एक बैंक के एक मुलाजम से उन्होंने खांसी जुकाम हो गया, वो केवल 2 दिन बिना मास्क तो अपने बैंक च आए, वो तो छिक्का मारते रहे, खंघते रहे, उन्होंने करके 21 व्यक्ति पॉजिटिव आए। सो जो साडे नॉर्म्स उन्होंने फॉलो करिए, असी तकरीबन हम अपने 70% पेशेंट्स नूं घरे ही आइसोलेट कर रहे हैं। जे अच्छ असी गल करिए सॉफ्टवेयर की, मैं कल भी मीटिंग की, अज भी मीटिंग की है, साढ़े 2 थावां पर हाई अलर्ट बनया हुआ है। एक तो फतेहगढ़ चूड़िया, दूसरा गुरदासपुर शहर, तो तीजा नवा एरिया डिवेलप हो रहा दीनानगर। पिछले 10 दिन पहला बटाला सीगा, पर बटाला जिहड़ा अलर्ट लैवल है वह हुण घटता जा रहा है, उत्थे सिचुएशन काफ़ी कंट्रोल च आ रही है। पिछे जे सैंपल कराए से कोई भी केस पॉजिटिव नहीं आया, जब बहुत घट पॉजिटिव आ रहे हैं। पर बटाला वासियों में मेरी यही बेनती है कि अजे भी प्रिकॉशन लैन की लोड़ है। अपने आस पास बहुत सारे कोविड पेशेंट घूम रहे हैं। मैं एको गल कहांगा कि जिन्हों किसी खांसी जुकाम गला खराब बुखार होया है, वो अपने आप को कोविड पॉजिटिव मने, अपने आप को घर च बंद करे, कमरे च बंद करे, ऑक्सीमीटर के राही अपने खून की जाँच करे। किसी भी हालत जो ऑक्सीजन का लैवल 95% तो घटता है तो डॉक्टरी सहायता ले जाए। वो टेस्ट कर विधि मैं दस दिना, सब तो पहले आराम ना बैठे बैठे अपना उंगली उपर लगा के देखो कितना लेवल आ रहा है। उस तो 6 मिनट सैर करो, 6 मिनट सैर करके जेकर ऑक्सीजन लैवल घट जाता है 95% तो खतरे की घंटी है। बहुत ज़्यादा लोड़ है सरकारी अपने हॉस्पिटल की मदद की। असी क्योंकि बरसातों का मौसम आ रहा है, पहले ही कोविड की महामारी चल रही है, होर गलों ना वधन सफाई पर विशेष ध्यान दे। साढ़े जिन्हें भी शहरी इलाके ने उन्होंने मैंने ऑबजरवर ला दिते ने, गुरदासपुर को 6 ऑबजरवर दिते ने, 6 जोन बनाए ने, बटाला 8 जोन बनाए ने। उन्होंने ऑबजरवर की रिपोर्ट आनी शुरू हुई है, वो रिपोर्ट बहुत चंगी नहीं है। एक तो यह सामने आया कि साढ़े नागरिक जोड़े ने वो गिला कूड़ा सुखा कूड़ा अलग अलग नहीं करते, म्यूनसिपैलिटी स्टाफ वालों भी प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो रही है। अज भी मैं इसी काफ़ी डिटेल के रिव्यू किया है। मैं आस है कि अगले हफ्ते के जिहड़े अगले हफ्ते सानूं रिपोर्टां आउणगियां उहदे विच साडा जिहड़ा ये सॉलिड वेस्ट का काम है काफ़ी इंप्रूवड होएगा। पर मैं सारे नागरिकों नूं अपील करदा कि अपने घरों जिहड़ा कूड़ा है उहनूं मिक्स ना करो, गिला कूड़ा अलग रखो, सुक्का कूड़ा अलग रखो। जे तुसीं इदां करदे हो तां गिले कूड़े की कंपोस्टिंग हो जाती है, खाद बन जाती है, सुक्का कूड़ा किसी काम आ जाता, बिक जाता। हुण असीं दूजा मसला सी पार्कां दा, अज मैंने पार्कां वास्ते भी ऑबजरवर लगा दिते ने, वो भी पार्कों की कंडीशन मेनटेन करे। तो मैं आस है कि आने वाले 1 महीने से जोड़े अपने पार्क हैं वो भी बड़े साफ सुथरे तो वधिया होणगे। तो मैं विश्वास दवाना कि 3 नौ तक असी शहर के पूरे जिले के खास शहरी इलाके जी कूड़े की संभाल है तो पार्कों की जी मेनटेनेंस है वो अच्छे तरीके करने से होवे। ये ग्रीनरी हो, सफाई हो, साफ पीने वाला पानी मिले, सड़क अच्छी हो, तो साड़ा जीवन का म्यार वैसे उच्चा हो जाता। इस वेले पिंड जो सारे विकास कार्य ने बड़ी तेजी शुरू किए हैं, मनरेगा के जोड़ी कि रोज़गार स्कीम भी है, विकास की स्कीम भी है,
जिला गुरदासपुर से लिख के नंबर दे आ गया। और मेरा टीचा है कि उम्र 1.5-2 साल के जिन्हें भी पिंड गंदे पानी की निकासी की समस्या है वह हल किया जाए। इस वे भी 1200 पिंड जो मैं तकरीबन 600 पिंड प्रोजेक्ट जोड़े पास कर दते हैं। जी नॉमिनी ड्रेन है सक्की नाल है ये प्रोजेक्ट भी पास किए हैं। हूँ असी थोड़ा ध्यान दे रहे हैं शहर की सफाई वाल तो जो शहर के काम चल रहे हैं। ईवन जी शहर की मशीनरी लगी हुई है म्यूनसिपैलिटी कोई टैंकर ने पंप ने ट्रालिया ने कोई भी समान है असं उन्होंने भी लिस्टा बनवा रहे हैं। कल कल मशीन की ट्रैकिंग की जाएगी कि जो समान आ गया है वह भी किया जाएगा। इस प्रकार कुछ साढ़े इतनी जी आबादियां ने मार्केटा ने उन्हों की मेनटेनेंस पूरा खोले पूरा के अफसरों ने मैं बुला के सख्ती रल किया है कि सारे पास सफाई करवा जो चीज़ बनी हुई प्रॉपर मेनटेनेंस हो गए। उन्होंने मैं 1 महीने का समा दिता है और मैं हर हफ्ते उन्होंने रिव्यू करा बुधवार को यकीनी बनावे कि साड़ी जी सफाई है प्रॉपर मेनटेन है। बूटे लाने वास्ते भी सब प्लैन तैयार किया है कि शहर के खास करके गुरदासपुर के जेकर असी बाजारों भी बूटे ला देिए तो यह शहर बहुत हरिया भरिया हो सकता है। बहुत अच्छा शहर है एक वधिया शहर बन सकता है जो कूड़े सफाई हो जाती है आप बाजारों के अच्छे वधिया सोहने बूटे ला दें जेडे कि कारोबार से भी दखल अंदाजी ना करन तो साडा शहर हरिया भरिया बन जाता है और एक बड़ा वधिया शहर बन सकता है। सो मेरी कोशिश है कल गुरदासपुर विखे नहीं सर जिन्हें भी शहरी इलाके ने और जिन्हें पेंडू इलाके ने उत्थे बूटे लाइए। पिंड च असीं 10 लाख बूटे एस्टीमेट पास करते हैं और उन्होंने लगाने तो बाद 50-50 बूटे देखभाल का काम उत्थे दी एक मनरेगा वर्क में दिता जाएगा। किसी ना किसी बीबी भैन नूं रुजगार मिलेगा वह बूटे संभालेंगे 5 साल में रुजगार मिलेगा। शहर में भी रुजगार लिए असीं मेहनत कर रहे हैं पिंड च भी कर रहे हैं। असीं 447 करोड़ रुपए का माइक्रो क्रेडिट प्लान तैयार कराया किसी ने भी अपना काम शुरू करने लोन की लोड़ है साढ़े जिला इंपलायमेंट दफ्तर के संपर्क कर सकता है। असी सारी डॉक्यूमेंटेशन करा के लोन दवा देंगे। प्रपोजल वधिया होने चाहिए है 2 लाख के लोन तक तो किसी गरंटी की भी लोड़ नहीं है। इस प्रकार जोड़े बच्चों अपना काम नहीं करना पर नौकरी करना चाहते हैं पर असी उन्होंने प्राइवेट नौकरी जी पहल के आधार पर दिखा देंगे। असी टीचा लिया है कि हर महीने 2000 बच्चों ये नौकरी दवाईए। जिला गुरदासपुर इस महीने अगस्त के 780 बच्चों नौकरी दिला चुके हैं और तकरीबन असी 800 के बद बंद लोन जोड़ा है वह मंजूर करवा सके। मेरी एक अपील है कि बद तो वो ये सामने आईए अपने गुरदासपुर जी क्रैडिट टू डिपोजिट रेशो है मतलब असं जिन्ना पैसा बैंक जमा करा रहे हैं और बैंक वह कि लोन वजह दे रहा है वह 47% है। जो असं 100 रुपये जमा करा रहे हैं तो 47 रुपये गुरदासपुर इन्वेस्ट हो रहे हैं जो कि बहुत घट है। सो मैं यही आस कराँगा कि साढ़े जो बच्चे ने अपना काम शुरू करना चाहते हैं असी प्रपोजल बारे भी दस देंगे कि चंगी प्रपोजल ने वो अगे आन कोई बैंकों की परेशानी नहीं होंगे कि लोन सेंक्शन होएगा टाइम से लोन सेंक्शन होगा। मैं बैंकों को टारगेट दिता कि 10 दिन के हर हाल च फैसला किया जाए और लोन पास किया जाए जेकर वो एलिजिबल है। सो एक अच्छी साड़ी उन्होंने बच्चों के रुजगार की पॉजिटिविटी आएगी। ये असी एक होर कोशिश कर रहे हैं मेरी कल परसों एक सैक्रटरी साहब ने गल हुई है कि एक असी 10 एकड़ के फूड प्रोसैसिंग कलस्टर बनाइए क्योंकि जिमें असी प्रमोशन कर रहे हैं कि दुध की प्रोडक्शन बधे मीट की प्रोडक्शन बधे बकरिया का काम बधे जा साडा खुंबा का काम होवे हल्दी का काम होवे तो सानू फूड प्रोसैसिंग जोन भी चाहिए। सो मेरी कोशिश है कि अपने शहर के अपने जिले के किसी ढुकवी थान के उपर असी 10 एकड़ थान लभ के एक फूड प्रोसैसिंग पार्क बना सकीए ये साढ़े किसानों वीर बड़ा फायदा होएगा और साड़ी जी वो होगी। सिमिलरली बटाला मैं गलबात की है कि असी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के वाधा करिए। इस वे डिफेंस परचेज जी भारत सरकार काफ़ी कर रही है और अपने बटाला के काफ़ी सारे आर्टिजन अवेलेबल है स्किल अवेलेबल है टैलेंट अवेलेबल है गुरदासपुर भी अवेलेबल है कादिया भी अवेलेबल है जोड़ा कि डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई कर सकता है उन्होंने भी असं बढ़ावा देने दे ये काम शुरू कराया है और वह भी मैं आस है कि आने वाले 2-3 महीने से कामयाब करने कामयाब होवे। एक जी मंदभागी गल हुई सी कि नजायज शराब करके कुछ मौत हुई असं उन्होंने 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दे चुके हैं
उन्होंने परिवार जोड़े कि लुधिया गुरदासपुर रेंदे सके 11 परिवार से उन्होंने पेंशन भी दे दी गई है लगा दी गई है होर भी जी सहायता अं दे रहे हैं नौकरी लगाने का काम भी कर रहे हैं और उसे अं एक टीम लगा के रेड क्रॉस के माध्यम के राही घर घर प्रचार भी कर रहे हैं। ये बारे मेरी एक ही अपील है कि असी जिते भी कितने नजायज़ शराब बिकती है वो रिपोर्ट पुलिस को या एक्साइज डिपार्टमेंट जरूर दो क्योंकि जेकर असी पब्लिक साथ देगी तो जी कीमती जाना ज गई ने वो नहीं जा रही सी असी तो बच सकते। सो ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अज असी 15 अगस्त अपनी वरेगंढ मनाई है पहली बार असी गुरदासपुर जिले के शहीदों को श्रद्धांजलि भेंट की है और असी अपने स्टेडियम के एक विशेष गैलरी बनाई सी जिथे जिन्हें साढ़े गुरदासपुर के शहीद हैं उन्होंने उन्होंने तस्वीर लाई गई उन्होंने श्रद्धा के फुल अर्पण किए गए पब्लिक द्वारा भी मेरे द्वारा भी साढ़े मुख मेहमान द्वारा भी और बाकी अधिकारियों द्वारा भी। इस प्रकार असी अपने जिले के चौकों के भी उन्होंने यादगार वास्ते उन्होंने बैनर लगाए। यही असल हीरो ने इन्हों ही सैलीब्रेट करना पड़ता है। मेरा यही मोटो सगा कि जो शहीद है अज असी करके आराम नाल बैठे हाँ आराम नाल अपनी चैन की नींद सो रहे हैं। सो जे असी शहीद को 15 अगस्त भी याद नहीं करा तो कदों याद करा। मेरा यही उपराला है कि सदा ही गुरदासपुर जिला एक जो जिसने वो तो शहीद दिते ने तो जिले के भी घट्टो घट शहीदों की जी याद है वह हमेशा बनी रहे और एक ऐसा काम है कि एक वो नेशन ग्रेटफुल नेशन अपने एहसानमंदी अदा करता है फीलिंग मनता है जिन्हें करके अच्छ असं इतने आराम नाल बैठे हाँ। सो मेरे सारे यही अपील है कि आप उन्होंने याद करिए उन्होंने की कुरबानी को याद करिए और उन्होंने श्रद्धांजलि देिए और उन्होंने परिवारों की वो मदद कर सकी। असी जो यंग अचीवर प्रोग्राम चलाया उन्होंने भी चंकी कामयाबी मिल रही है वो वास्ते मैं अपने जिला दफ्तर के अगले हफ्ते मुस्तकबली एक दीवार बना रहे हैं जिसे इलैक्ट्रॉनिकली साढ़े शहीदों का साढ़े अचीवर का और साढ़े स्मारकों का इस तो अलावा जो गुरदासपुर महत्वपूर्ण घटनावां हो रही ने उन्हें जानकारी उत्तर टीवी स्क्रीन वड्डी वड्डी लगा रहे हैं वो राही नज़र आएगी ऑनलाइन और जो उस प्रोग्राम कामयाब हो जाता है तो मैं कोशिश करांगा सेम स्क्रीन जी है हर SDM ऑफिस के और होर भी महत्वपूर्ण स्थानों के उपर चले ताकि सूँ पता रहे गुरदासपुर की हो रहा है साढ़े शहीद कौन ने साडा विरसा की है साड़ी यादगारी की है। सो ठीक है कोरोना महामारी है अपने तो बचना चाहिए प्रिकॉशन लेनी चाहिए है पर जिंदगी भी चलनी चाहिए है। इसलिए मंत्रा यही है कि टेस्टिंग कराओ टेस्टिंग दौरान घबराओ जे कोई पॉजिटिव आ जाता है तो अपना जोड़ा आइसोलेट करो घबराने की कोई लड़ नहीं किसी जबरदस्ती हॉस्पिटल लेके जाया जाएगा जब तक उन्हें लड़ नहीं है और जेकर कोई बंदा बीमार भी है वो अपनी मर्जी से हॉस्पिटल जा सकता है। हुण गवर्नमेंट ने प्राइवेट हॉस्पिटल भी नोटिफाई करते हैं सरकारी हस्पताल भी नोटिफाई करते हैं। असी अपने गुरदासपुर हॉस्पिटल जिला 4 बैड का एक एयर कंडीशन कमरे भी तैयार कराए हुए हैं उत्थे भी लोग जाके रह सकते हैं। होर भी कोशिश करा कि वो सहूलत दवा सकी तो मैं यही आस करता कि जी आप बीमारी तो बचना है तो नाल पॉजिटिव काम करने हैं तो बराबर चलना है तो पहला जान है तो जहान है। पहला सानू सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो करने चाहिए ने मास्क पाना चाहिए लक्षण अनुसार तुरंत टेस्टिंग करानी चाहिए है और जेकर साड़ी कोई टीमें कि जा रही टेस्टिंग कराने वास्ते उन्होंने विरोध तो ना करो वो बड़ा एक साइंटिफिक बेसिस से सॉफ्टवेयर के बेस से सैंपलिंग कर आ रहे हैं भावें को उत्ते कोई केस पॉजिटिव नहीं आया पर सानू पता है कि उत्थे कोई ना कोई पॉजिटिविटी हैगी है उत्थे कुछ ऐसे लोग होके गए हैं जिहड़े कि बाद पॉजिटिव पाए गए हैं उत्थे केस आने की संभावना है। सो जिथे भी हेल्थ विभाग की टीमें जा रही ने उन्होंने कोऑपरेट करिए उन्होंने हेल्प करिए और टेस्टिंग कराइए। सो ये शब्द का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू जय हिंद।